हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता ही है कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई हो चुका है और हम लोग जो हैं बहुत सारे कंटेंट इस वीक में देखने वाले हैं सिर्फ ओटीटी पे। तो कौन से सारे कंटेंट जो है इस वीक हफ्ते रिलीज़ होने वाले हैं, कौन से प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाला है और किस वक्त पे रिलीज़ होने वाला है, वो सब मैं आज बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि कंटेंट बहुत सारे हैं। 23 जुलाई को तो बहुत कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो रहा है अगर आपको पता होगा तो। नहीं पता है अभी तो फिर आराम से बैठ जाइए और सुनिएगा ज़रूर ध्यान से कि कौन सा आपका फेवरेट फिल्म या वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है। और ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप किस शो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो या फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद थोड़ा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल लग जाए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। सो पहले डिस्कस करते हैं कि 20 जून यानी कल कौन सा कंटेंट रिलीज़ होने वाला है। तो 20 जून को एक शो रिलीज़ होने वाला है MX प्लेयर पे जिसका नाम है 100 किलोमीटर क्लब। तो ये एक एडवेंचरियस शो होने वाला है जिसमें एक रोड ट्रिप दिखाया जाएगा जो कि बाइकर जो है तीन फ्रेंड जो है वो एक बाइक जर्नी में निकलते हैं। और वो ये जो शो है रिलीज़ होने वाली है 12 AM को, यानी कि मिडनाइट 12 AM को, जब 20 जुलाई लग जाएगी तो यानी कि आज रात के 12 बजे आप बोल सकते हैं। तो ये वाला MX प्लेयर पे फ्री में आप देख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट कंटेंट। सो अब बात करते हैं दूसरे कंटेंट की जो कि 20 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। ये है एक तेलुगु फिल्म जिसका नाम है नरप्पा। तो ये एक ऑफिशियल रीमेक है असुरन फिल्म का जिसमें धनुष थे एंड वो तमिल फिल्म था, ये तेलुगु फिल्म है एंड इसमें वेंकटेश मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो मुझे इसका पोस्टर, इसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड लेट्स सी कि तमिल जैसा मैजिक तेलुगु में ये क्रिएट कर पाता नहीं कर पाता। तो ये रिलीज़ होने वाली है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर एंड कब रिलीज़ होगी, ये 19 तारीख के 8 बजे मतलब आज ही 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच रिलीज़ हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं 21 जून की तरफ जो कि कनाडा फिल्म रिलीज़ होने वाली है अमेज़न प्राइम वीडियो पे जिसका नाम है इक्कत। तो इक्कत है एक कपल की स्टोरी जो कि डिवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें मजबूरन एक साथ रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कोरोना वायरस जब हो गया था तब लॉकडाउन हो गया तो इसके वजह से उनको साथ में रहना पड़ रहा है एंड ये एक रोम कॉम यू कैन से लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म होने वाली है। तो ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है 20 जून के रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। तो यहाँ पे एक्चुअली टाइम ज़्यादा फिक्स नहीं होता गाइज, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता कि 9 बजे से 11 बजे किस टाइम पे रिलीज़ होगा। तो मैं 9 बजे से 11 बजे तक तो श्योर रिलीज़ हो ही जाएगा अमेज़न प्राइम वीडियो पर। एंड अगर आप लोग मतलब ऐसे रोम कॉम फिल्म देखना पसंद करते हो, लाइट हार्टेड फिल्म देखना पसंद करते हो तो आई होप कि आपको ये पसंद आ जाए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्म की तरफ जो कि 22 जुलाई में रिलीज़ होने वाली है और इक्कत भी 22 जुलाई में ही रिलीज़ होने वाली थी, अगर जून बोल दिया तो सो सॉरी। तो 22 जुलाई में जो रिलीज़ होने वाली है वो फिल्म का नाम है सरपट्टा परंबराई। तो ये तमिल फिल्म है और ये एक बॉक्सिंग फिल्म है। तो अगर आप तूफ़ान देखे हो एंड आपका तूफ़ान से मन नहीं भरा है कुछ और भी ज़्यादा बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग फिल्म देखना है नहीं तो स्पोर्ट्स ड्रामा देखना है तो आप ये बहुत अच्छा एक फिल्म आ रही है। और इसमें आर्या मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आर्या आपको पता ही होगा तमिल के वन ऑफ द नोन फेस हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और ये फिल्म जो है बेस्ड है ब्रिटिश टाइम एरा के पीरियड फिल्म है ये एक। तो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आर्या इस रोल को कितना अच्छे से प्ले करते हैं। और ये फिल्म जो है एक्चुअल में 22 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है लेकिन एक्चुअल में तो आपको पता ही है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो तो एक दिन पहले रिलीज़ कर देते हैं। तो 21 जुलाई को आपको 8 बजे से 11 बजे के बीच में ये फिल्म देखने को आपको मिल जाएगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में। तो अब बढ़ते हैं 23 जुलाई की तरफ जो कि बहुत सारे कंटेंट रिलीज़ होने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ पहले कौन सा कंटेंट रिलीज़ होने वाला है। पहला मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन से टाइम पे पहले रिलीज़ होने वाला है। तो अब बात करते हैं पहले हॉस्टल डेज सीज़न 2 की। सो फाइनली हॉस्टल डेज का सीज़न 2 आ ही गया। सीज़न 1 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, 2019 के लास्ट में आया था, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी एंड ये TVF का है तो एक्सपेक्टेशन भाई आसमान से भी बहुत ऊँचा है मेरा एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो ये वेब सीरीज़ तो आपको पता ही है कॉमेडी मतलब स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बेस्ड है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनके लाइफ हॉस्टल में कैसी होती है एंड
और भी बहुत सारे देखने को हमको मिलेंगे कि इंजीनियरिंग बच्चों के लाइफ में क्या क्या, मतलब उनके क्या स्ट्रेस होते हैं, क्या वो लोग कैसे टैकल करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल वेब सीरीज़ है। तो ये रिलीज़ होने वाली है 22 जुलाई को रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच में। तो ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए Amazon प्राइम वीडियो पे ही। तो अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ जो कि है चुस्पा, और ये रिलीज़ होने वाली है सोनी लिव पे। ये भी एक वेब सीरीज़ है और ये भी बहुत ही अच्छा हाईली एंटिसिपेटेड वेब सीरीज़ है, क्योंकि मैडॉक ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो मैडॉक पहली बार OTT मतलब प्लेटफॉर्म में उतरे हैं एंड उनका प्रोडक्शन भी बहुत अलग लग रहा है। एंड सोनी लिव में अगर कोई वेब सीरीज़ आ रहा है तो भाई एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सोनी लिव के कंटेंट 95% लोग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, 5% तो भाई छोड़ दो। लेकिन ये रिलीज़ होने वाली है 23 जुलाई को ही 12 बजे मिडनाइट शार्प, जब 23 जुलाई हो जाएगा तब 12 AM को आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो भी जो कि एक वेब सीरीज़ ही है, एक एंथोलॉजी वेब सीरीज़ है जिसका नाम है फील्स लाइक इश्क। तो ये रिलीज़ होने वाली है नेटफ्लिक्स पे। तो ये वेब सीरीज़ में बहुत सारे कास्ट, मतलब आप, मैं अगर एक्टर्स के नाम लेने बैठ जाऊँ तो ये 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा। एंड ये एक 6 एपिसोड वाला एंथोलॉजी सीरीज़ होने वाली है एंड ये एक रोम कॉम वाली सीरीज़ होने वाली है। तो अगर आपको रोम कॉम देखना पसंद है ना, तो आपको ये वेब सीरीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके स्टार कास्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो ये वेब सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा दोपहर के 12:30 से लेके 2:30 बजे के बीच में। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जिसका नाम है 14 फेरे। ये एक Z5 की फिल्म है। तो ये फिल्म भी एक रोम कॉम फिल्म ही लग रही है, जिसमें विक्रांत मैसी एंड या कृति खरबंदा दिख रहे हैं। ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली, मतलब पिछले साल अनाउंस हो गई थी, एंड इस साल रिलीज होने वाली थी थिएटर में, लेकिन पैंडेमिक के वजह से ये भी OTT पे आने वाली है एंड Z5 में ये आने वाली है। तो ये फिल्म जो है 12 बजे मिडनाइट को, जब 23 जुलाई लगेगा तब रिलीज़ हो जाएगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप विक्रांत मैसी को फिर से अलग अवतार में, फिर से एक अलग रोल में दिखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। तो अब बढ़ते हैं आखिरी कंटेंट की तरफ, जो कि 23 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, जो है Hungama 2। ये है फिल्म और ये रिलीज़ होने वाली है Disney+ Hotstar VIP में। तो ये फिल्म हंगामा का सीक्वल है, Hungama 2। एंड इसका ट्रेलर जो देख के तो लग ही रहा है कि भाई ये आउट एंड आउट कॉमेडी होने वाली है, लेकिन देखते हैं कि भाई कैसा होने वाला है फिल्म, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया ट्रेलर। तो आपको कैसा लगा था ट्रेलर, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हंगामा 2 के लिए आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परेश रावल सर को देखने के लिए, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। एंड ये फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है 7:30 बजे 23 जुलाई को रात के। एंड ये फिल्म जो है आपको Disney+ Hotstar VIP में देखने को मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं 24 जुलाई की तरफ, जहाँ जिस दिन यहाँ पे वूड सिलेक्ट में एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाला है जिसका नाम है नटखट। तो ये भी रिलीज़ हो जाएगा शार्प 12 AM मिडनाइट को, जब 24 जुलाई लगेगी, मतलब 24 जुलाई जैसे ही होगा 12 AM को ये रिलीज़ हो जाएगा वूड सिलेक्ट पे। तो ये वेब सीरीज़ में मेन लीड में विद्या बालन है। तो विद्या बालन शी इज़ एक्लेम्ड अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस एंड उनका काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। एंड ये जो शॉर्ट फिल्म्स है फेस्टिवल के अंडर ही रिलीज़ हो रही है, वूट के फिल्म फेस्टिवल के अंडर। एंड आपको तो पता ही है कि अभी जो बहुत सारे जो फिल्म फेस्टिवल्स में जो ऑलरेडी शो हो चुके हैं, स्क्रीन हो चुके हैं, वही फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें प्रीमियर होने वाले वूट सिलेक्ट में। तो ऑब्वियसली ऑल दीज फिल्म्स आर, शॉर्ट फिल्म्स आर वेरी अमेजिंग होने वाले हैं। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस सीरी, मतलब किस सीरीज़ या फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो बढ़ते हैं 25 जुलाई की तरफ, जिसका जहाँ एक वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है, जो कि वूड सिलेक्ट में ही रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है शुरुआत का ट्विस्ट। तो शुरुआत का ट्विस्ट भी एक एंथोलॉजी वेब सीरीज़ होने वाली है, जिसमें यहाँ नीना गुप्ता मेन लीड में होने वाली है। उनके अलावा अमित सियाल भी एक अलग स्टोरी, मतलब 6 अलग अलग डिफरेंट स्टोरी है। एंड ये एक वेब सीरीज़ है, तो ऑलरेडी एंथोलॉजी वेब सीरीज़ मुझे देखने को बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं ये कितनी खास होने वाली है। एंड ये रिलीज़ होने वाली है 25 जुलाई को। तो इसका रिलीज़ डेट, मतलब रिलीज़ टाइमिंग है 25 जुलाई, जब शार्प 25 जुलाई हो जाएगा 12 AM को, तब ये रिलीज़ हो जाएगी वूड सेलेक्ट पे। सो इतना ही था इस हफ्ते का कंटेंट, और आई नो कि बहुत ज़्यादा था एंड बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा आई थिंक लेंदी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, अगर आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी या नहीं लगी कमेंट सेक्शन में, किस सीरीज़ के लिए या फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंड ये वाला वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो हेल्पफुल लग गई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।